नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। अल्लाह मुक्ति साहब की हिफाजत में फरमाए हुकूमत इस तरह उलमाए किराम को गिरफ्तारी करके हमें हक बोलने से रोक नहीं सकती। मुक्ति सलमान अजहरी साहब के समर्थन में थाने के बाहर उमड़ा जन सैलाब, भारी भीड़ का हुआ जमावड़ा। लोगों ने कहा, यदि लॉ एंड आर्डर में रहकर काम नहीं करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। पैसे मुफ्ती सी अब कभी तक बाहर आएंगे तो हम नहीं कह सकते। गुजरात की पुलिस यहाँ से लेके जाने के लिए, ATS बाहर लेके जाने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ले जाएंगे। अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। धाराएं लगाई गई है, लगता है कि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। धारा है, पुलिस अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो शायद जगहों से आ रही है, चाहे वो मीरा रोड कह ली जाए या नाला सुपारा, मलाड, कुरला, ऐसे अलग अलग विभिन्न इलाकों से तमाम जो है पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त है और परिमाण 7 के उपायों की उपस्थिति नहीं थी, इसके लिए यहाँ पर एडिशनल चार्ज जो है हिमराज सिंह राजपूत जो Zone 6 के DCP है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तमाम तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी इनको गुजरात ATS ले जाया जाएगा और क्या जो है। मैं आपके सामने हूँ और अलहमदुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, किसी क्राइम पर मुझे न लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बेटा मोहब्बत करते हैं तो वो रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दो, हम उसके लिए मसला ना होने पाए। मेरे प्यार से अलहमदुल्ला।